ये हमारी आज की वीडियो है चंपा हांडी मटन देसी घी वाले बल्ब मेकिंग रुपीस 250 ओनली ऑन दिस फूड यूट्यूबर। सो हम दे लेट न्यू खाने की वीडियो और ये आप पहले वो नाम सुने तो थोड़े से होते हैं ना गवर्नमेंट मिस्टेक भी एक इशू है जी, तो एक मिस्टेक होती है आपने बता आपका मैंने बता दिया है बिल्कुल बता दिया करें हमें। हेलो जी आदाब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जनाब। इंडिया के साथ साथ वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं हम। अब ये जो है जी चंपारण भी है हमें हांडी मटन देसी घी वाला और बल्क में बन रहे हैं और ओडिशा फूड टूर है तो हम देखने लगे जबरदस्त फूड स्ट्रीट हम कैसे लेके आए हैं आपके लिए और बिहार के चंपारण मटन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं उड़ीसा के भुवनेश्वर का बिहारी स्टाइल चंपारण मटन, जिसको बहुत सारी मिट्टी की हांडी में चंपारण मसालों और देसी घी के साथ बल्क क्वांटिटी में तैयार किया जाता है। और इनका चंपारण मटन पूरे भुवनेश्वर में इतना वायरल हो गया कि 1 से 2 घंटे में सारा फिनिश हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इनके चंपारण मटन को बल्क क्वांटिटी में कैसे तैयार किया जाता है। उड़ीसा में पहला दुकान है ये चंपारण मटन। तो फाइनली हम पहुंच गए उड़ीसा के भुवनेश्वर में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिहार का फेमस द चंपारण मटन। और कोयले को देखो तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से जलाए जा रहे हैं। हमारा हांडी मटन की यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले देखते हैं हमारी यहाँ पे हांडी आ चुकी है और एक एक करके इसको यहाँ पे यहाँ लगाया जा रहा है। तो सारा हमारे यहाँ पे चंपारण हांडी मटन लगाया जाएगा जो कि पटना का बहुत ज्यादा फेमस है। तो भैया अभी नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे? अभी सरसों तेल रख रहा हूँ। तो गर्म क्या होता है पहले? गर्म तो गर्मा गर्म देखो सरसों का तेल यहाँ पे डाला जा रहा है। आधा घंटा इसको अच्छे से पकाने के बाद देखो तो अभी इसको हांडी में डाला जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्या डालेंगे भैया इसमें? इलायची डालते हैं। इलायची जी। तो देखो तो अब नेक्स्ट इसमें डाली जा रही है इलायची। बिहार का जो चंपारण मटन है ये बहुत ज्यादा फेमस है, लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। टेस्ट जो होता है इसका बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। तो देखो तो साबुत लहसुन इसमें डाला जा रहा है। लोग मटन खाते हैं तो उसके साथ जो साबुत लहसुन का स्वाद होता है बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। ये आगे सूखी लाल मिर्च। एक्चुअली उड़ीसा के लिए न्यू कंसेप्ट न्यू फ्लेवर है। चंपारण मटन सब लोग जानते थे बट उड़ीसा में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उड़ीसा के लोग चंपारण मटन देखने के लिए खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और वो आ भी रहे हैं। तो ऐसे ही एक एक करके सभी हांडी में अच्छे से यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे सरसों का तेल लगा लिया जाएगा। चंपारण हांडी मटन के लिए देखते हमारे यहाँ पे मटन आ चुका है और देखते कितनी ज्यादा क्वांटिटी हमारा मटन यहाँ पे डाला जाएगा। तो भैया क्या प्रोसेस चल रहा है? इसको मटन को मिक्स करके प्याज लगाएंगे। उससे भी चंपारण में मिलता है सब राकेश मसाला। यहाँ पे प्याज लेते हैं और खांसी की जो अच्छा वाला खांसी होता है 10 से 12 केजी का बकरा आता है। तो देखो प्याज के साथ मसाले के साथ मटन को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो भैया ये हांडी को कितने लोग खा लेते हैं? 4 आदमी लोग खाते हैं। 4 आदमी? 4 आदमी जी सर। तो देखो तो कितना बढ़िया प्रोसेस है, कितना यूनिक प्रोसेस है। ऐसा मटन आपको पूरे भुवनेश्वर के पूरे उड़ीसा में नहीं मिलने वाला। तो देखो तो हमारा हांडी मटन यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। एकदम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके हांडियों को यहाँ पे तैयार कर लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो तो अच्छे से एक एक करके सभी हांडी को यहाँ पे सील किया जा रहा है आटे के साथ। तो भैया जैसे अभी इसको सील कर रहे हैं तो इसमें पक जाता है अच्छे से? हाँ। तो उड़ीसा में मैंने बहुत जगह मटन खाया, देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हांडी मटन लगाया जा रहा है। तो हमारा चंपारण हांडी मटन के लिए देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी हांडी आ चुकी है। एक एक करके अब इसको ले जाया जा रहा है। तो गर्मा गर्म कोयले के ऊपर हांडियों को यहाँ पे रखा जा रहा है और इसको 2 घंटे तक इसको अच्छे से यहाँ पे पकाया जाएगा। तो 1-1 किलो की हांडी को देख सकते हो अब यहाँ पे कोयले के ऊपर लगा दिया गया है। अब इसको अच्छे से सेक के हमारा मटन रेडी किया जाएगा। तो भैया इसको खाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? जगह से आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। भुवनेश्वर का जो नामी नामी जगह पूरी उड़ी है जगह पे भी लोग आते हैं। यहाँ पे उड़ीसा में पहला दुकान है ये चंपारण मटन। पहला ओपनिंग हुआ लगभग वही 20 दिन हुआ, अभी नया नया है, ज्यादा पुराना नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा हांडी मटन तैयार किया जा रहा है। अभी आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे बाद देख सकते हो हांडी को यहाँ पे अच्छे से हिलाया जा रहा है ताकि जो मटन है वो नीचे चिपके ना। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। 15-20 मिनट बाद हांडी को चेक किया जाएगा और इसको अच्छे से हिला के मटन को यहाँ पे लगाया जाएगा। तो हांडी में से देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे भाप निकल रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पे हमारा मटन को तैयार किया जा रहा है। भैया कितना टाइम लगेगा पकने में? आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा और लगेगा। चंपारण मटन रेडी जी? चंपारण मटन रेडी हो चुका है, इसको खोलेंगे। तो देख सकते हो हांडी को अभी यहाँ पे अच्छे से ओपन किया जाएगा और चेक किया जाएगा मटन रेडी है नहीं। क्वालिटी बहुत नंबर 1 मिलेगा सर, बहुत अच्छा, पूरा ओरिजिनल चंपारण का स्टाइल है, यहाँ का कहीं कोई स्टाइल नहीं है। तो हमारा चंपारण हांडी मटन यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। अब इनको स्टैंड पे अच्छे से यहाँ पे सेट किया जा रहा है। तो जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे वैसे उनको गर्मा गर्म यहाँ पे हांडी मटन यहाँ पे सर्व किया जाएगा। तो देख सकते हो 2 घंटे के प्रोसेस से
हमारा यहाँ पे मटन रेडी हो चुका है और कितनी सारी हांडी यहाँ पे एक साथ लगा दी गई है। तो हांडी देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुकी है, मटन को इसमें से निकाला जाएगा। तो भैया कौन कौन से पीस रहते हैं इसमें? ये सीना जो है, सीना है, इसमें लहसुन भी डाला जाता है, लहसुन है, ये नली के पीस है, रसमलाई जिस तरह लगता है खाने में बहुत काफी लाजवाब लगता है जी जी। और साथ में देख सकते हो पीतल की कटोरी रहती है जिसमें भी मटन सर्व किया जाता है। तो एकदम बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पे मटन के पीसेस मिल जाएंगे, तो 8 से 10 पीस इसमें लगाए जाते हैं। ये पंजा है। तो कितने का पड़ता है ये? ये 1500 रुपए केजी है और ये हाफ केजी हो गया है। अच्छा, हाफ केजी हो गया, ये 750 रुपए का। तो चंपारण हांडी मटन तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया, रांची में ट्राई किया, पटना में ट्राई किया, दिल्ली में ट्राई किया, हैदराबाद में ट्राई किया है और आज मैं आपको लेकर आ गया भुवनेश्वर में। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था भुवनेश्वर में भी मुझे हांडी मटन यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैंने हांडी मटन की यहाँ पे प्लेट लगवा ली है। तो देखो तो ये इनकी प्लेट और कितनी सुंदर प्लेट है, ये पीतल की प्लेट है और ऊपर देखो पीतल की कटोरी है जिसमें कि इन्होंने मटन डाला है। मटन की रंगत देखो तो कितनी ज्यादा बढ़िया है और एकदम अच्छे से इसको हांडी में पकाया गया है। 2 घंटे इसको बनाने में लगते हैं और कोयले के ऊपर इसको अच्छे से यहाँ पे सेक देके इसको रेडी किया जाता है। तो इसका जो असली मजा है खाने का वो रोटी के साथ ही आता है। तो देख सकते हो एकदम घर वाली चपाती आपको मिल जाएगी, तो काफी बड़े साइज की चपाती है और इसको हम ट्राई करेंगे मटन के साथ। तो थोड़ा सा हम लहसुन ले लेंगे। तो मटन जो है अच्छे से गल चुका है और इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एकदम चंपारण गाँव से ही आता है। तो वाकई में इनका जो चंपारण मटन है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो जैसा मैंने बिहार में स्वाद लिया था इसका, वैसा ही स्वाद इसका यहाँ पे आ रहा है। तो इसके जो मसाले रहते हैं, देसी घी रहता है, वो चंपारण गांव से ही आता है। जो इन्होंने इसमें देसी घी डाला है उससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा एनहेंस हो रहा है। मैंने हांडी मटन तो बहुत जगह बनते देखा है बट देसी घी बहुत कम लोग डालते हैं। टाइमिंग है सर सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक डेली ओपन रहता है। डेली 7 डेज ओपन, कभी भी आके खा, कभी भी आके 11 से लेकर रात को 11 बजे तक खा सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए, उड़ीसा में कहाँ पे? ये भुवनेश्वर में है। जैसे हम लोग जयदेव बिहार से आ रहे हैं, पटिया की तरफ जा रहे हैं, तो जयदेव बिहार से पटिया जाने के रास्ते में आप कलिंग हॉस्पिटल छक है, स्क्वायर है, उससे जस्ट पहले लेफ्ट साइड में। तो अगर आप भी भुवनेश्वर में रहते हो और मटन के दीवाने हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आके ये अहुना हांडी मटन एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो इनको यहाँ पे भुवनेश्वर में मटन का किंग भी बोला जाता है। तो इस अहुना हांडी मटन को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद जब उसमें इतना कुछ डाल के और इतनी मुश्किल से हांडी में वो बनेगा और उसका प्रोसेस करवा कर उसको खाओ हलाओ मसाले चीजें तो बड़ा एक्सपेंसिव होते हैं भाई। तो 1000 रुपए लग जाना इसके लिए। हाँ जी व्यूअर्स, हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आपने ये देखा है कि उन्होंने ना क्यों इतना टेस्टी बनाया, एक उन्होंने मिट्टी के बर्तन में बनाया है, उसकी अपना ही मिट्टी के बर्तन का खाना बड़ा से होता है। फिर उसको ना सर्विंग के लिए भी वो किसके लिए वो क्या कह रहे तरीके से वो कितने प्यारे को बोल रहे थे उसके अंदर वो सर्व उसमें कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक अंदर लहसुन और चीजें और कम से कम मसालों में वो तो स्टीम में बन रहा है, कोयले में बन रहा है, वो सारी वो क्या ही टेस्ट होगा। जितने इंडिया के लोग जितने औरतें भी लगी हुई सारी हेल्पर्स बिल्कुल साथ देते हैं, अपना काम करते हैं चाहे जिस भी लेवल पे कर रहे हैं, ये बात बड़ी हैरानपूर्ण है ना जी। चले जी जबरदस्त फिल्म रही, नहीं लगा सर जी। तो सो भी वाजा से मेरे वीर सिंह के साथ, तो मैं तब तक जब नखरा लेके थैंक यू बहुत ही थैंक यू फॉर।